Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 8 by Brain Root series, and here is a book, Cyber Creators. Today we are going to start with chapter number 3 and the name is Managing Tables in MS Excel 2021. So in the previous chapter we have already learned about MS Excel 2021. Here we will learn how can we manage tables. So, these are the points that we are going to cover in this chapter. We are going to learn about table in Excel, views of a table, entering data in table, editing records in table, sorting records in a table, modifying the table design, components of a table, creating a table, adding records in a table, deleting records, searching records and deleting a field. Here, let's start with before we begin exercise. You have to write on the steps of starting MS Excel 2021 in the space given. We have already learned this in the previous chapter. So write it down here. So the first topic that we are going to start is tables in Excel. So tables in database object which is used to store information is in an organized manner. So jo table hai MS Excel mein wo organized manner mein aapko milte hain. एंड इसमें आपको रोज और कॉलम्स मिलते हैं. इसमें आपको एक या उससे ज़्यादा टेबल्स भी मिलते हैं. सो ये जो है ये हैं फील्ड्स जिसमें रोल नंबर नेम एंड एड्रेस दिया गया है कुछ बच्चों का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ टेबल. टेबल के कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं. देर आर मेनी कॉम्पोनेंट्स. द फर्स्ट कम्स फील्ड एंड एट्रीब्यूट्स. सो द कॉलम इन द टेबल आर नोन एज फील्ड. जो कॉलम्स हैं टेबल में उन्हें फील्ड या फिर एट्रीब्यूट्स कहा जाता है. अ फील्ड इज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ डेटा. फील्ड क्या है. ये ऐसा पार्ट है रिकॉर्ड का जिसमें जो है एक सिंगल डेटा का पीस होता है. फील्ड स्टोर्स वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स. फील्ड क्या करता है. स्टोर करता है एक तरीके की इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्ट्स के बारे में. And every field has a data type that determines the type of value. और हर एक field जो है data type को determine करता है जो उस तरीके की values के से related होता है. आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर role number है, यहाँ name है और यहाँ address है. तो ये different fields हैं इस table के. Now here we have to note down something that data types are used to declare the field of a table. Data type को use किया जाता है field को declare करने के लिए. अ डेटा टाइप डिटरमाइंस द टाइप ऑफ डेटा इन इट. डेटा टाइप क्या करता है. डिटरमाइन करता है किस तरीके का डेटा है वहाँ पे. वंस अ डेटा टाइप इज डिफाइंड. एक बार ये डेटा टाइप डिफाइन हो जाता है वी कैन नॉट एंटर अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इन इट. हम उसमें अलग तरीके का डेटा नहीं डाल सकते. तो एक बार ही करना है, सही से करना है. इफ यू ट्राई टू डू सो एन एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड. और अगर हम इसको सही करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एक एरर मैसेज हमें दिखता रहेगा. Next is field data type. The various type of data available in Excel are described in the table below. यहाँ पर table है, इसमें अलग अलग तरीके के data जो है दिए गए हैं. तो पहला है short text. It is used to store text or a combination of text. ये क्या करता है, text को store करता है या फिर combination of text को store करता है. एंड नंबर्स दैट डज नॉट रिक्वायर कैलकुलेशन. ऐसे नंबर्स को स्टोर करता है जिसको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि एड्रेस, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा. इन सब में कोई भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो ऐसी चीज़ों को शॉर्ट टेक्स्ट स्टोर करता है. द फील्ड विथ दिस डेटा टाइप कैन हैव मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स. इसमें 255 कैरेक्टर्स आ सकते हैं. फिर आता है लॉन्ग टेक्स्ट. ये जो लेंथी टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है, बड़े बड़े कैरेक्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है. एंड इसमें 65,536 कैरेक्टर्स आ सकते हैं. इट कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन. किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, जैसे कि पेरेंट की मेडिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड वगैरह, सब चीज़ें जो है लॉन्ग टेक्स्ट में आ जाते हैं. फिर आता है नंबर. नंबर क्या है, न्यूमेरिक डेटा इसमें आ सकते हैं जिसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है. फिर आता है डेट एंड टाइम. डेट एंड टाइम को जो है यूज़ किया जाता है डेट और टाइम को स्टोर करने के लिए, और ये डेट और टाइम को जो है डिस्प्ले करता है. फिर आता है करेंसी. करेंसी क्या है, होती है ये करेंसी वैल्यू को स्टोर करता है और डिस्प्ले करता है उसे अलग अलग फॉर्मेट्स में.
फिर आता है ऑर्डर नंबर, ये क्या करता है, ये स्टोर करता है इंटीजर को, जो क्या करता है ऑटोमेटिकली जो है अपने आप जो है एड ऑन हो जाते हैं रिकॉर्ड्स में। फिर आता है येस और नो, दिस कैन हैव ओनली वन और टू पॉसिबल वैल्यूज, इसमें एक या दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, जैसे कि येस या नो, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, या फिर ऑन या फिर ऑफ। तो ये हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स और उनके डिस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट आते हैं ओ एल ई, ये क्या करता है, स्टोर करता है ग्राफिक्स को और ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि एम एस एक्सेल वर्कशीट है, एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट है। फिर आता है हाइपरलिंक, ये जो फील्ड है, ये जो डेटा टाइप है, ये जो लिंक्स को स्टोर करता है जो वेबसाइट या फिर ईमेल तक लेके जाता है। फिर अगला आता है अटैचमेंट, इसमें आप अटैचमेंट वगैरह इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि कोई इमेज है, स्प्रेडशीट है, डॉक्यूमेंट है, चार्ट है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। फिर आता है कैलकुलेटेड, ये जो फील्ड है इसमें आपको डेटा टाइप मिलेगा जो क्या करता है रिजल्ट को स्टोर करता है कैलकुलेशन के बाद। द कैलकुलेशन मस्ट रिफर टू अदर फील्ड इन द सेम टेबल, उसी टेबल में दूसरे फील्ड के बारे में ये बताता है। नेक्स्ट इज लुकअप विजर्ड, सो दिस क्रिएट्स अ लुकअप फील्ड दैट डिस्प्लेज अ सेट ऑफ वैल्यूज, ये क्या करता है क्रिएट करता है लुकअप फील्ड को जो एक तरीके के वैल्यूज को डिस्प्ले करता है। इट हेल्प्स यू टू क्रिएट अ फील्ड हुज वैल्यूज आर चूजन फ्रॉम द वैल्यू इन अनदर टेबल, ये क्या करता है एक ऐसा फील्ड क्रिएट करता है जिसके वैल्यूज को चूज किया जाता है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अनदर टेबल, दूसरे टेबल के वैल्यूज से, जैसे कि क्वेरी हो गया, टेबल हो गया, लिस्ट हो गए। नेक्स्ट, आफ्टर सेटिंग द डेटा टाइप फॉर द फील्ड यू कैन सेट इट्स प्रॉपर्टी, अब हमने जो भी डेटा टाइप हमें एंटर करना है उसको सेट करने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज को सेट करना है। तो चलिए पढ़ते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे पहला है आता है फील्ड प्रॉपर्टी, सो ये जो फील्ड प्रॉपर्टी है, एवरी फील्ड इन द टेबल हैज इट प्रॉपर्टी, हर एक फील्ड की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को डिफाइन करती है। ये जो फील्ड प्रॉपर्टी है ये आपको बताता है यू लेट्स यू हैव मोर कंट्रोल ऑन डेटा दैट कैन बी एंटर्ड इन द पर्टिकुलर फील्ड, ये आपको उस डेटा पे ज़्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करता है। और कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी गई हैं। नाउ चिल्ड्रन लेट्स लर्न अबाउट रिकॉर्ड, द रो इन द टेबल आर नोन एज रिकॉर्ड, जो रोज होते हैं टेबल में से रिकॉर्ड कहा जाता है। अ रिकॉर्ड स्टोर्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन आइटम, ये क्या करता है ये पूरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी आइटम में। ईच रिकॉर्ड कंटेन्स द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक एंटिटी, और हर एक रिकॉर्ड जो है के अंदर जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी स्पेसिफिक एंटिटी के बारे में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज दी गई हैं। फील्ड साइज है, ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी जो है सेट करती है फील्ड को टेक्स्ट और नंबर डेटा टाइप्स के साथ। एंड इट सेट्स द मैक्सिमम साइज फॉर डेटा, ये जो मैक्सिमम साइज को सेट करती है डेटा के लिए स्टोर्ड इन अ फील्ड फॉर एकोमोडेट टेक्स्ट, मीन्स 0 से लेकर 225 टेक्स्ट तक आप इसमें एकोमोडेट कर सकते हो, नंबर्स को डाल सकते हो, ऑटो नंबर्स को डाल सकते हैं। फिर आता फॉर्मेट, ये क्या करते हैं कंट्रोल करता है द मैनर इन विच डेटा गेट्स डिस्प्ले, ये जो है डेटा के डिस्प्ले करने के तरीके को कंट्रोल करता है। फिर आता है इनपुट मास्क, ये जो है एंट्री को बनाता है, डेटा एंट्री को बनाता है ईजियर और कंट्रोल करता है वैल्यूज को जो कि यूजर यूज कर सकता है या एंटर करता है। फिर आता है कैप्शन, ये जो प्रॉपर्टी है इसे यूज की जाती है टू गिव एन ऑल्टरनेट, इसे ऑल्टरनेट देने के लिए यूज किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है डिफॉल्ट वैल्यू, ये जो प्रॉपर्टी इसे यूज़ की जाती है टू स्पेसिफाई अ वैल्यू, वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए जो कि डिस्प्ले किया जाएगा ऑटोमेटिकली व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, जब नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। फिर आता है वैलिडेशन रूल, इट इज़ यूज टू पुट कंडीशन ऑन द डेटा दैट कैन बी एंटर्ड इन अ फील्ड, ये जो है यूज़ किया जाता है कंडीशन को डालने के लिए किसी भी डेटा में जो कि एंटर किया जाता है किसी भी फील्ड में। फिर आता है वैलिडेशन टेक्स्ट, इट इज यूज टू डिस्प्ले एन एरर मैसेज व्हेन द वैलिडेशन रूल गेट्स वायलेटेड, ये जो है यूज किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए एरर मैसेज जबकि वैलिडेशन रूल को जो है वायलेट किया जाता है। नेक्स्ट कम्स रिक्वायर्ड, ये हेल्प करता है एंटर करने में आपको रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए, येस या फिर नो।
फिर है डेसिमल प्लेसेस, ये स्पेसिफाई करता है डेसिमल प्लेसेस को किसी भी न्यूमेरिक डेटा में। फिर नेक्स्ट आता है अलाउ जीरो लेंथ, डीए जो है आपको एक्सेप्ट हेल्प करता है एक्सेप्ट करने में ब्लैंक एंट्री, ब्लैंक एंट्री फॉर एवरी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी इफ इट इज सेट फॉर यस। तो जो भी ब्लैंक एंट्री है वहाँ पे आपको जो है ये जो है आपको अलाउ करता है प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए येस पे। नेक्स्ट कम्स प्राइमरी की। अब प्राइमरी की इज अ फील्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड, ये जो प्राइमरी की है ये एक फील्ड है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड, जो कि आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड्स को किसी भी टेबल के फॉर्म में। ये जो प्राइमरी की फील्ड है कैन नॉट बी रिपीटेटिव, कैन नॉट हैव रिपीटेटिव वैल्यूज, इसमें रिपीटेटिव मीन्स बार बार रिपीट करने वाले वैल्यूज नहीं आ सकती और ना ही ये ब्लैंक छोड़े जा सकते हैं। नेक्स्ट कम्स व्यूज ऑफ अ टेबल। अब क्या क्या है व्यूज टेबल के, सो यू कैन वर्क ऑन अ टेबल इन टू व्यूज, दो तरीके के व्यूज है जिसमें हम टेबल में काम कर सकते हैं, पहला आता है डिजाइन व्यू और दूसरा आता है डेटा शीट व्यू। सो लेट्स लर्न व्हाट इज डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू ऑफ द टेबल यू कैन एंटर द फील्ड नेम, द डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, इसमें हम ये तीनों चीजें एड ऑन कर सकते हैं। जो डिजाइन व्यू विंडो है इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला है फील्ड ग्रिड विंडो पेन एंड सेकेंड वन इज फील्ड प्रॉपर्टीज पेन। सो फील्ड ग्रिड क्या है, इट इज़ यूज फॉर एंटरिंग फील्ड नेम, ये फील्ड नेम को एंटर करने के लिए, उनके डेटा टाइप्स को एंटर करने के लिए बना है। यू कैन ऑल्सो गिव एन ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन अबाउट ईच फील्ड इन दिस, और हर फील्ड के बारे में आप इसमें अलग से डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। अब बारी आती है फील्ड प्रॉपर्टी पेन की। ये जो सेक्शन है इसे यूज किया जाता है टू सेट प्रॉपर्टीज फ्रॉम फॉर द फील्ड इन द टेबल। इसे जो है ये जो सेक्शन है इसे यूज किया जाता है प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए किसी भी फील्ड में इस टेबल में। तो चलिए वर्क करते हैं डेटा शीट व्यू में। सो डेटा शीट व्यू इज यूज टू एंटर डेटा इन अ टेबल। व्हेन यू डबल क्लिक द टेबल नेम ऑन द डेटा बेस विंडो इट ओपन्स इन द डेटा शीट व्यू। सो ये जो है यूज किया जाता है डेटा को यूज कर एंटर करने के लिए टेबल फॉर्म में, और अगर हम इस पे जाके डबल क्लिक करते हैं तो डेटा शीट व्यू आपके सामने खुल जाएगा। नाउ स्विचिंग बिटवीन व्यूज। अब दो व्यूज हैं, ये दोनों व्यूज हैं हमारे सामने, इनमें से अगर हमें स्विच करना तो हमें क्या करना होगा। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या करता है, हम अलाउ करता है स्विच करने में इन दोनों व्यूज के बीच में। तो एक पहला मेथड क्या कहता है, हमें जाना है व्यू ऑप्शन पे, व्यू ग्रुप में जाके होम टैब के, और वहां से जाके व्यू को चेंज कर देना है। दूसरा तरीका कहता है कि हमें डिजाइन व्यू पे जाना है या फिर डेटा व्यू बटन पे जाना है, राइट कॉर्नर पे आपके स्टेटस बार के, तो स्टेटस बार के राइट कॉर्नर पे आपको ये दोनों व्यू मिलते हैं, वहां पे जाके क्लिक करिए और वो व्यू आपके सामने आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कैसे हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं इसमें। सो देर आर वेरियस वेज ऑफ क्रिएटिंग टेबल, बहुत सारे तरीके हैं टेबल क्रिएट करने के। पहला है डिजाइन व्यू में क्रिएट करना, दूसरा है टेम्पलेट्स का यूज करके क्रिएट करना, और तीसरा है डेटा शीट व्यू में क्रिएट करना। तो हमने अभी टेम्पलेट्स और डिजाइन व्यू तो हमने पढ़ा है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, हम डिजाइन व्यू में कैसे टेबल को बनाते हैं वो हम पढ़ेंगे। एंड दिस लेट्स यू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल बाय स्पेसिफाइंग द फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड द प्रॉपर्टीज। सो फील्ड नेम, डेटा टाइप और उनकी प्रॉपर्टीज को देख के हम इस में हम डिजाइन करेंगे। सो टू क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू में अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो आपको सबसे पहले क्लिक करना है क्रिएट टैब पे। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट टैब पे, फिर हम करेंगे टेबल डिजाइन को सेलेक्ट यहाँ से। तो आप देख सकते हो बीच में टेबल डिजाइन है, वहां पे हमने क्लिक किया, ये आपको टेबल्स ग्रुप में मिल जाएगा। फिर वहां जाके हमें क्या करना है, वी हैव टू एंटर द नेम फॉर द फील्ड। फील्ड के लिए हम नाम देंगे जिसको हम फील्ड नेम कॉलम लिखेंगे। अब यहाँ पे जाके हमें सेलेक्ट करना है डेटा टाइप को इस फील्ड में से, जो कि डेटा टाइप लिस्ट है, वहां से इसे सेलेक्ट करना है। यूज द फील्ड प्रॉपर्टी, अब हमें फील्ड प्रॉपर्टीज को यूज करना है फील्ड प्रॉपर्टी पेन में जाके, एंड सेट द प्रॉपर्टी फॉर द फील्ड, हमें क्या करनी है प्रॉपर्टी को यहाँ पे चूज करना है। अब प्लेस अ कर्सर ऑन द फील्ड, जिस भी फील्ड में हमें जाना है वहाँ पे हमें कर्सर को फील्ड प्रेस करना है, प्लेस करना है, एंड सेट द प्राइमरी की, और जो प्राइमरी की है उसे सेट कर देंगे। फिर क्लिक ऑन द प्राइमरी की, ये है आपकी प्राइमरी की, यहाँ पे हम जाएंगे
जो कि टूल्स ग्रुप डिज़ाइन टैब के टेबल टूल्स में आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे कि एक की सिंबल आपके सामने होता है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि एक की सिंबल है आपके सामने। यहाँ पे जाके हमें क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है क्विक एक्सेस टूल बार में, या फिर फाइल टैब में जाके वहाँ से सेव ऑप्शन को क्लिक करना है और सेव एज डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे अब हमें अपने टेबल का नाम लिखना है एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन। अब आप देख सकते हो जो द टेबल इज नाउ एडेड टू द नेविगेशन पेन, अब वो टेबल क्या है हमारे नेविगेशन पेन में ऐड हो चुका है। टू रिमूव अ प्राइमरी की, अगर हमें प्राइमरी को की को रिमूव करना है, क्लिक ऑन द प्राइमरी की फील्ड, हमें प्राइमरी की फील्ड पे क्लिक करना है डिजाइन व्यू में एंड क्लिक करना है प्राइमरी की ऑप्शन में टूल ग्रुप्स में जो कि आपके डिजाइन टैब में है। सो दिस इज एन एक्स्ट्रा बाइट। नाउ लेट्स लर्न हाउ कैन वी एंटर डेटा इन अ टेबल। अब टेबल तो हमने इंसर्ट कर लिया, अब हम कैसे डेटा को उसमें इंसर्ट करेंगे। सो आफ्टर फाइनलाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल इन डिजाइन व्यू में हम जाके हमने जो है स्ट्रक्चर को फाइनलाइज कर लिया। यू कैन ऐड रिकॉर्ड्स टू इट इन द डेटा शीट व्यू, आप इसमें अब रिकॉर्ड्स डाल सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें ओपन करना है टेबल को डेटा शीट व्यू में। अब हमें जो है बाय क्लिकिंग ऑन द टेबल इन द नेविगेशन पेन, सो अब हमने उसको चलो क्लिक कर लिया, ओपन कर लिया। फिर अपार्ट फ्रॉम फील्ड यू विल ऑल्सो फाइंड अ ब्लैंक रो विथ एन एस्ट्रिक मार्क। अब इनके अलावा आपको जो है एस्ट्रिक मार्क के साथ क्या मिलेगा, ब्लैंक रो मिलेंगे। एंड टाइप द डेटा इन द अप्रोप्रिएट फील्ड, जो भी अप्रोप्रिएट फील्ड है जैसे रोल नंबर फिल करना है, नेम, एड्रेस, जो भी फिल करना है उससे रिलेटेड डेटा वहाँ पर फिल करेंगे। एंड प्रेस ईदर द एंटर और द टैब की, या तो एंटर की प्रेस करें या फिर टैब की प्रेस करें। टू मूव टू द नेक्स्ट फील्ड, तो रोल नंबर में फिल करने के बाद हमें नेम तक जाना है तो या तो हम एंटर फील्ड एंटर को क्लिक करेंगे या फिर टैब की को क्लिक करेंगे, तो हम अगले रो में चले जाएंगे। When the data is entered in the row, a new blank row will appear automatically. जैसे आपका data enter हो जाएगा एक नया row अपने आप ही आ जाएगा। You can insert any number of records in the table. जो भी आपको record रखना है वो आप table में easily enter कर सकते हो। Now press the shift plus tab key to move to the previous field. आपको क्या करना है, shift के साथ tab key को press करना है previous field में, means पुराने field में जाने के लिए। If you press the tab key, अगर आपने tab key को press किया, On the last field, the cursor automatically jumps to the next row. Cursor अपने आप ही next row में jump हो जाएगा। You can view the record number at the bottom of the screen. आप ये जो record number है इसे screen के नीचे देख सकते हो in the record navigation bar में। Now, how can we add record in a table? Table में कैसे हम record को enter कर सकते हैं? So, to add a new record, you can देर आर मैनी मेथड्स गिवन। आप क्या कर सकते हो, पहले तो आप न्यू बटन पर जा सकते हैं, रिकॉर्ड ग्रुप में जा सकते हैं और होम टैब में जाके वहाँ से आप रिकॉर्ड को एंटर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है क्लिक ऑन न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड बटन, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन द रिकॉर्ड नेविगेशन बार, यहाँ से आप क्लिक कर के ऐड कर सकते हैं। तीसरा तरीका है सिंपली स्टार्ट टाइपिंग इन द रो बिलो द लास्ट एडेड रिकॉर्ड। सो जो भी आपका लास्ट एडेड रिकॉर्ड है उसके अगले लाइन में आप लिखना शुरू कर दे, नया रिकॉर्ड अपने आप आ जाएगा। अब कैसे सेव करना है रिकॉर्ड को, सो क्लिक ऑन द सेव बटन इन द रिकॉर्ड ग्रुप, रिकॉर्ड ग्रुप में जाएं, वहां पे सेव बटन पे क्लिक करें जो कि आपको होम टैब में मिलेगा। नेक्स्ट एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, अब रिकॉर्ड को हमने सेव करना भी सीख लिया, अब हम कैसे इसे एडिट कर सकते हैं। सो आफ्टर एंटरिंग डेटा इन अ टेबल, डेटा को टेबल में एंटर करने के बाद सम टाइम इट इज रिक्वायर्ड टू मेक चेंजेस इन द डेटाबेस, कई बार क्या होता है डेटाबेस में चेंजेस करने पड़ते हैं। टू एडिट रिकॉर्ड्स इन अ टेबल फॉलो दीज स्टेप्स, तो रिकॉर्ड्स को एडिट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। क्या करना है, हमें रिकॉर्ड नेविगेशन बटन को यूज करना है टू फाइंड द रिकॉर्ड, टू एडिट और डबल क्लिक द सेल where you want to make changes. Now, इसके बाद हमें क्या करना है, we have to type the information in the field and a pencil icon will appear. Pencil icon आएगा हमारे सामने in the edit mode and here we have to click outside the record to apply the changes. और अगर हमने जो भी record में लिख दिया उसके बाहर हमें क्या करना है, click करना है ताकि जो भी changes हमने किए हैं वो उसमें apply हो सके।
नेक्स्ट कम्स डिलीटिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल. अब हमने एंटर करना भी सीख लिया, अब हम डिलीट कैसे करें. सो टू डिलीट अ रिकॉर्ड ओपन द टेबल इन द डेटा शीट व्यू. आपको जो है टेबल को डेटा शीट व्यू में खोलना है. अब हमें क्लिक करना है रिकॉर्ड पे जिसे हमें डिलीट करना है. फिर हम डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे जो कि रिकॉर्ड ग्रुप के होम टैब में है. एंड द सेलेक्टेड रो विल बी डिलीटेड. जो रो हमने सेलेक्ट की है वो पूरी रो यहाँ से डिलीट हो जाएगी. नेक्स्ट आप देख सकते हो अमन, राज, रजत और आलोक तीन रो थी. अब यहाँ से वो रजत वाली रो जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे डिलीट हो चुकी है. नेक्स्ट है सॉर्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल. अब सॉर्ट कैसे किया जाए, डेटा को कैसे सॉर्ट किया जाए इस टेबल में. सो फॉर सॉर्टिंग रिकॉर्ड वी हैव टू फर्स्ट सेलेक्ट द फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच यू वॉन्ट टू सॉर्ट. तो जिस भी फील्ड को हमें सॉर्ट करना है उसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे. फिर हम क्लिक करेंगे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑप्शन को जो कि सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में होता है होम टैब के, और आपका जो भी रिकॉर्ड है वो सॉर्ट हो जाएगा. फिर है सर्चिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल. अब कैसे रिकॉर्ड को सर्च किया जाए, तो हम क्या करेंगे, वी विल एंटर द पार्ट ऑफ द वर्ड फ्रेज डेटा और नंबर इन द सर्च बॉक्स. सर्च बॉक्स में जाके उस जो भी चीज़ हमें ढूंढनी है उसका कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज या फिर कोई भी डेट वगैरह कुछ भी हम वहाँ पे टाइप करेंगे. तो आप देखेंगे कि एक्सेस हाईलाइट द करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर, वो सेम कैरेक्टर हाईलाइट हो जाएगा. एंड यू विल फाइंड द नेक्स्ट मैचिंग रिकॉर्ड. नाउ प्रेस द एंटर की अगेन. अब आपको एंटर की प्रेस करना है. एक्सेस फाइंड्स ऑल रिकॉर्ड्स दैट मैच योर सर्च. ये क्या करता है, सारे रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करता है जो आपके सर्च को मैच कर रहा है एनीवेयर इन योर डेटा शीट. नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग द टेबल डिजाइन. अब टेबल के डिजाइन को कैसे मॉडिफाई किया जाए. सो यू कैन मेक चेंजेस इन द डिजाइन ऑफ द टेबल आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड. आप जो क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपने डिजाइन में टेबल के जब उसे बना लिया जाए उसके बाद. तो पहला है इंसर्टिंग अ न्यू फील्ड. नए फील्ड को कैसे इंसर्ट किया जाए. टू इंसर्ट अ न्यू फील्ड ओपन द टेबल इन डिजाइन व्यू. हमें क्या करना है, पहले डिजाइन व्यू में टेबल को ओपन करना है और ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. हमें कर्सर को प्लेस करना है उस फील्ड पे जहां पे हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है न्यू फील्ड. नेक्स्ट क्लिक ऑन द इंसर्ट रो. अब हमें इंसर्ट रो ऑप्शन पे जाना है जो कि टूल बार के डिजाइन टैब में है जो कि टेबल टूल्स में है. अ न्यू रो इज इंसर्टेड. अ न्यू रो इज इंसर्टेड. अब इसको करने के बाद आप देख सकते हो एक नया रो इंसर्ट हो जाता है आपके सामने. एंटर द फील्ड नेम. फील्ड नेम हमें जो भी डालना है वहाँ हम डाल सकते हैं. डेटा टाइप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू फील्ड. दीज ऑल थिंग्स कैन बी एंटर्ड. नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ फील्ड. अब कोई फील्ड है वो हमें डिलीट करना है. सो वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओपन द टेबल इन डिजाइन व्यू. डिजाइन व्यू में टेबल को ओपन करेंगे. सो चिल्ड्रेन फॉर डिलीटिंग यू हैव टू प्लेस द कर्सर ऑन द फील्ड जहाँ पे आपको डिलीट करना है. नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द डिलीट रो. डिलीट रो ऑप्शन पे जाना है जो कि टूल ग्रुप के डिजाइन टैब में है टेबल टूल्स में. यहाँ पे आपको जो है एक्सेस, देयर विल बी अ वार्निंग बॉक्स. वार्निंग बॉक्स आपके सामने आएगा, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू डिलीट और नो और नॉट. सो यू हैव टू क्लिक ऑन येस बटन. येस बटन पे हम क्लिक करेंगे एंड ये यू कैन सी. तो येस पे जैसे हमने क्लिक किया द फील्ड इज डिलीटेड फ्रॉम द टेबल. वो जो फील्ड है वो टेबल से डिलीट हो जाएगी. Now let's revise whatever we have learned in this chapter. A table is a database object which is used to store information in an organized manner. A table consists of rows and columns. A field stores one type of information about all the objects or items. Data type are used to declare the field of a table. A data type determines the type of data is in it. And once the data type is defined, we cannot enter a different type of data in it. If we try to do so, an error message will be displayed. The data type available in MS Access 2021 are short text, long text, number, data, date, time, currency, auto number, yes, no, or OLE, which means object linking, embedding, hyperlink attachment calculations, and lookup window. Every field in the table has its properties to define its characteristics and behavior. The field properties lets you have more control on data that can be entered in a particular field. A record stores complete information about an object or an item. Each record contains the complete information about a specific entity. Now let's move on to book exercise, which is check yourself. Here the first question is check the correct option. So children, here the question is check the correct option.
Which of the following data type lets you store an integer that is incremented automatically as you add records? So is it currency, yes, no, auto number or long text? So it is auto number. Now let's do this fourth one. Dash is the symbol used to describe. ये जो symbol है किसको describe करने के लिए? Is it for sorting, design view, data sheet view or primary key? So it is used for design view. So like this children, you have to do the rest of the questions yourself. Now children, let's move on to B part, which is fill in the blanks. Here the first one is data sheet view is used to enter data in a table. Next, second one, the design view of the table, you can enter the field name, the data types and description. So like this children, you have to do the rest of the questions. Now let's move on to C part, which is write true or false for the following statements. So a database can have only one table, false. Number data type is used for numeric data that will be used in calculation. Yes, this is true. So do the rest yourself. Now let's move on to D part, which is answer the following questions. Here the first question is, what do you understand by the term table? Tables have kya samajhte and name some important components of the table. So table is a database object that is used to organize data in a precise manner, in an organized manner. Now some important components of the table are field, attributes and many more. So do the rest questions yourself after reading the chapter. And with this children, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.